तो दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे कई सारी घटना होते रहते हैं, जैसे कि एक होता है सॉल्व और एक होता है अनसॉल्व। जो केसेस सॉल्व हो जाता है वो कभी मिस्ट्री नहीं बनता, और जो केसेस अनसॉल्व रहता है वो मिस्ट्री बन के रह जाते हैं। और आज मैं आप लोग को ऐसा अनसॉल्व केसेस के बारे में बताऊँगा जो कि आप सुन के हैरान हो सकते हैं। ये हमारे इंडिया की हैदराबाद सिटी में एक घटना हुई है, जो कि सन 2002 के टाइम में। उस टाइम पैरानॉर्मल टॉपिक सुनते ही लोग घबरा जाते हैं, और आज भी ऐसे कहानी सुनते हैं तो लोग घबरा जाते हैं। ये जगह का नाम है कुंदन बाग, जो कि एक हाउस है। उसके अंदर एक फैमिली रहते थे, जिसमें मम्मी पापा और दो बच्चे रहते थे। उसके पापा एक दिन अचानक से घर छोड़ के चले जाते। उसके बाद क्या होता है कि एक चोर उस घर के अंदर घुसता है चोरी करने के लिए। उसके बाद वो चोर देखता है कि उस घर के अंदर 3 लाश पड़े हुए हैं नीचे, और वो लाश होता है उनकी मम्मी के और दो बच्चे की। जब चोर ये बात पुलिस को इन्फॉर्म किया तो पुलिस ने सोचे हो कि ये लाश को ये ही मारा होगा। मगर जब बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि ये बॉडी तो 6 महीना पुराना है, ये कैसा हो सकता है। बट घर के आसपास के लोगों को पूछा कि उन लोग बताए कि तो ये लोग तो कल ही खेल रहे थे, उनके मम्मी तो बालकनी में टहल रहे थे, ये कैसे हो सकता। और एक और भी बात बताए तो ये उसका जो बच्चे है वो दोनों ब्लड का पैकेट पकड़ के जा रहे थे। जब पुलिस ये बात सुन के वो घर को जांच किया तो उसको एक जगह में ब्लैक मैजिक करने वाला सामान मिला, यानी कि काला जादू। और पुलिस सोचा कि इन लोग ये कर रहे थे, मगर बॉडी तो 6 महीना पुराना है, ये हाल ही में कैसे दिख सकती है। और कुछ कुछ पुलिस के पास रहता है ना ऐसे अनसॉल्व केसेस, इनमें से ये भी है। और मैं बता दूं, घर भी आज भी मौजूद है हैदराबाद शहर में। तो दोस्तों, वीडियो आप लोग को कैसा लगा लाइक कमेंट जरूर कीजिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, और साथ में बेल आइकन को ही दबा देना।